किसानों के समर्थन में एनएसयूआई ने गांधीवादी तरीके से रखा मौन व्रत। केंद्र सरकार से तीनों कृषि बिल वापस लेने की मांग। एनएसयूआई ने दिल्ली कूच की दी चेतावनी। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी इग्लिस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony Chauraha Police Line Ajmer or near Kanak Shri Garden Jawahar Nagar Ajmer. सोमवार को एनएसयूआई छात्र संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गांधी भवन स्थित गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष किसानों के समर्थन में मौन व्रत रखकर केंद्र के खिलाफ विरोध जताया। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अब्दुल फरहान ने बताया कि यदि केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में पारित तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए तो एनएसयूआई किसान भाइयों के सहयोग और समर्थन के लिए जल्द ही दिल्ली कूच करेगी। आज अजमेर एनएसयूआई ने जो किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली में और हरियाणा बॉर्डर पे, उसके समर्थन के लिए गांधीवादी तरीके से आज हमने मौन रखकर गांधी जी की प्रतिमा के सामने गांधी भवन पे जो किसान भाइयों का बिल वापस लेके केंद्र सरकार, उसकी प्रार्थना भी करी है। और ये हम मांग करते हैं केंद्र सरकार से और मोदी जी से, इस बिल को आप जल्द से जल्द वापस ले लो, नहीं तो ये राजस्थान एनएसयूआई आपको चेतावनी देती है कि यहाँ से हम हमारे हजारों छात्र भाइयों के साथ, किसान भाइयों के साथ दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो जो किसानों पे जो दबाव पड़ने वाला है, जो आर्थिक दबाव हो, चाहे इससे जो नुकसान किसानों को होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए एनएसयूआई उनको विरोध में, इस बिल के विरोध में दिल्ली कूच करने वाली है। और इस बिल को वापस नहीं लेते तो जल्द से जल्द हम दिल्ली कूच करेंगे। आज हमने मौन व्रत रख के, मौन गांधीवादी तरीके से मौन व्रत रख के किसान भाइयों के समर्थन में यहाँ आंदोलन की शुरुआत करी है। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। वहीं एनएसयूआई उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी ने कहा कि आज किसान भाइयों के समर्थन में गांधीवादी तरीके से हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर मौन प्रदर्शन किया है। यदि केंद्र सरकार ने किसानों पर थोपे गए तीनों कृषि बिल वापस नहीं लिए तो एनएसयूआई के हजारों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचकर किसानों को समर्थन देंगे, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र की होगी। अजमेर जिले के कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखा है और जो किसान आंदोलन देश भर में चल रहा है बहुत तेजी से, उनको मौन रूप से गांधीवादी तरीके से समर्थन दिया है। और हमने जो इस आंदोलन के दौरान हमारे किसान भाई जो शहादत को प्राप्त हुए, उनको आत्मा की शांति के लिए नमन किया है, ईश्वर से प्रार्थना की है। हम कहना चाहते हैं कि ये बिल है जो सरासर गलत है और किसानों की आर्थिक स्थिति को बिल्कुल खराब कर देगा। हम मोदी सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये अपनी हठधर्मिता छोड़े और अपना प्रधान सेवक का रूप जो है वो त्यागे और इस बिल को वापस ले। एनएसयूआई पूर्णतः, मैं आपके माध्यम से किसान, सारे भारतवर्ष के किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि एनएसयूआई का प्रत्येक कार्यकर्ता किसानों के साथ है और जहाँ पे भी किसानों को जरूरत पड़ेगी एनएसयूआई का कार्यकर्ता वहाँ पे खड़ा मिलेगा। और जरूरत पड़ी तो एनएसयूआई के प्रत्येक कार्यकर्ता दिल्ली कूच करेंगे और किसानों के साथ तानाशाही मोदी को सिंहासन से हटाने की पूर्ण जोर से कोशिश करेंगे।